रहा है, उनको फोटो भी खींचना है, इसलिए देखिए क्या जगह है दोस्तों। वाह, जन्नत मिल रही है आपको, देखिए वाह। हम लोग पहुंच चुके हैं ये वाला एक घर, इतना जोर का बारिश आ रहा है देखिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, सुबह सुबह कॉल आ गया था, कॉल तो कल से आ गया था लेकिन कंफर्म नहीं हुआ सुबह, इसलिए कॉल किया आफ्तार ने मुझे फर्नीचर से। तो मैं अभी जा रहा हूँ, बहुत ही दूर जाना है, वाई से और 40 किलोमीटर दूर है। गर्म पानी सुमपुंग का रास्ता है, सुमपुंग से और 17 या 20 किलोमीटर जैसा दूर है। तो अभी मैं आ गया जी एस रूट, सामान ढालना शुरू कर दिया हूँ गाड़ी में, जैसे अभी अभी लगाया हूँ, सामान लेके आ रहा है। सामान कम्प्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, तो पहले सामान डाल लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों फाइनली सामान ढालना हो गया है, ये देखिए ये वार्डरोब है, 2 पैकेट है और ये एक मैट्रेस है उन्हीं का है, और यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, लेकिन ग्लास ऐसा लेके जाने से होगा नहीं दोस्तों, ग्लास को कुछ करना पड़ेगा, पैकिंग करके लेके जाना पड़ेगा। तो इसको पैकिंग करके निकलते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों, आज रास्ता भी खाली है देखिए। चलिए पैकिंग करके जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत दूर जाना है दोस्तों। सब कुछ खत्म हो गया, मैंने सामान भी ढाल दिया है, ढाल के बांधना उन्ना हो गया है, तो अभी चलिए निकलते हैं यहाँ से। पहुंच चुका हूँ, साथ में अफ्तर भाई भी जा रहा है क्योंकि उनको फिटिंग करना है सामान, फिटिंग करके फिर वापस ही आएंगे मेरे साथ। धीरे धीरे सब कुछ थोड़ा स्पीड से जाना पड़ेगा आज, क्योंकि बहुत दूर है, हम लोग को वापस भी आना है रात होने से, क्योंकि रात होने से वहाँ पे हाईवे है, सिलचर उलचर जाने का रास्ता है, वो रात्रों से ट्रक का जाम मिल जाएगा, वही बात है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करके जाएंगे फिर वापस। आते आते तो रात ही हो जाएगा दोस्तों, बात ये है कि फिटिंग करके जल्दी निकलना है हम लोग को। थोड़ा रुके हैं रास्ता में थोड़ा रेस्ट करने के लिए, अफ्तार भाई बोले कि थोड़ा उनको फ़ोटो भी खींचना है, इसलिए देखिए क्या जगह है दोस्तों। वाह, जन्नत मिल रही है आपको, देखिए वाह क्या जगह है, यही है मेघालय दोस्तों। देखिए अफ्तार भाई तो फ़ोटो खींचने में बिजी है, आ गया किसका फ़ोन, कितना बजे का सर हम, वाह हाँ हेलो। चलिए दोस्तों निकलते हैं, लेट करने से नहीं होगा दोस्तों। अभी जस्ट मैंने मोरोक्नियन क्रॉस किया है, अभी मिलेगा ट्रक का, क्योंकि ट्रक का वो जो रास्ता से हम लोग आए थे इतना टाइम, वहाँ से कोई ट्रक नहीं आता, क्योंकि वो रास्ता शिलोंग से होके आता है, शिलोंग से हो क्या आता है बोल के, वो रास्ता से इतना ट्रक नहीं आता है, ट्रक डायरेक्ट बाईपास से निकलता है, वो जिसके लिए अभी जो रास्ते में घुसा हो अभी ट्रक आता ही रहेगा थोड़ी देर बाद में, तो वही बात है, इसके आगे भी ट्रक पीछे भी ट्रक, अभी धीरे धीरे जाना पड़ेगा, यहाँ पे रास्ता भी थोड़ा खराब है, इसलिए चलो दोस्तों चलते हैं धीरे धीरे, अभी स्पीड से आना था आगे, धीरे धीरे जाना पड़ेगा। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work, I'm tired you first, I'll write a second third. राइट में जो गाड़ी घुस रहा है, ये राइट में चुवाई जाने का रास्ता है, आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, वहाँ जो रास्ते से अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ से भी घूम के जा सकता हूँ चुवाई, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट गिरता है, अभी हम लोग चुवाई बाईपास का रास्ता है हमें। About the lies you go disperse, you never did shit, I know it hurts. तो दोस्तों यहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ ज़्यादा गर्मी लग रहा था, इसलिए मैंने और अफ्तार भाई ने एक एक स्टिंग लिया है, अफ्तार भाई ने शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, वही टेंशन है हम लोग, ये
डायरेक्ट पीने से हो ना जाए, गले को मेरा गला आपको मालूम है ऐसे ही खराब ही इसका दुर्दशा चल रहा है। बात तो सही है। कुछ ना वही है बस, ये ज्यादा ही ठंडा है। मैंने को खांसी भी लगा हुआ है, गर्मी लगना इसलिए लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पी के जाते हैं और चिप्स भी लिया है, भूख लग गया है दोस्तों। आगे चलते हैं धीरे धीरे, अभी भी बहुत ही बाकी है दोस्तों, बहुत ही बाकी है, अभी तक 40 किलोमीटर बाकी है मुझे और जाना है। 68 किलोमीटर तक ऊपर चला चुका हूँ गाड़ी, अभी भी 40 किलोमीटर बाकी है। चलिए चलते हैं धीरे धीरे, रास्ता भी खराब ही है और रास्ते में ट्रक लोग भी खराब होके बैठे हैं। देखिए ये देखिए पीछे में और एक था, अभी ये देखिए और एक है, ये भी खराब हो गया है, ये देखिए ये भी खराब हो गया है, रास्ते में खराब होता ही रहता है ट्रक। जगह बहुत सुंदर है देखिए दोस्तों, जो रस्ते से चल रहे हैं वो रस्ते से फिर से हम लोग को लेफ्ट हैंड लेके घुसना पड़ा अंदर में, वो जिसका सामान है वो अभी भी आगे में जा रहे हैं हम लोग का। बात यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब है, धीरे धीरे जाना पड़ रहा है दोस्तों, बहुत ही मतलब अब ज्यादा बाकी नहीं है और 5 किलोमीटर जैसा बाकी है पहुंचने में। जगह बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर जगह है। हम लोग पहुंच चुके हैं ये वाला है घर, इतना जोर का बारिश आ रहा है, देखिए काम करके जल्दी जल्दी निकल रहे, बहुत जोर का बारिश गिर रहा है दोस्तों, बहुत ही जोर का। अरे जल्दी जल्दी काम करके निकल गए दोस्तों, सामान उतर के जल्दी जल्दी फिटिंग करना भी पड़ेगा, यही बात है, फिटिंग लगभग खत्म ही हो चुका है, ये सब बाकी है, अरे डोर लगाना बाकी है, ये देखिए 3 डोर वाला है, तो टाइम हो रहा है 4:30 और आधा घंटा जैसा लगेगा फिर यहाँ से निकलना है हम लोग को। गाड़ी तो मैंने रेडी कर रखा है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी करके ख़त्म करके फिर निकलते हैं यहाँ से। घर इन लोग का बहुत ही सुंदर है, तो बाउंड्री मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं बहुत ही सुंदर जगह पे रहते हैं वो लोग, देखिए आज का वेदर कितना बारिश हो रहा था, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले रुका है बारिश, ये देखिए दोस्तों। जल्दी जल्दी ख़त्म करके निकलते हैं यहाँ से आधे घंटे में। 1 hour later काम ख़त्म, वो लोग चेक कर रहे हैं अंदर में, देखिए चेकिंग जारी है, ये वाला है तो लोग चेक करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे, टाइम हो रहा है 5:30, तो चलिए दोस्तों होने के बाद में निकलते हैं डायरेक्ट यहाँ से। दोस्तों जैसे अभी अभी मैं मेन रोड में पहुंचा ही हूँ, 7 बस बजने वाला है, फिर रात भी हो गया, देखिए घर जाने में अभी कितना टाइम लगेगा वो मालूम नहीं है, 9:30 भी बज सकता है, 10 भी बज सकता है अगर थोड़ा ब्लॉक मिल गया ट्रक का, वही बात है। तो दोस्तों अभी चलते हैं डायरेक्ट घर, घर जाके बात करते हैं। 2000 years later अच्छा मैं पहुंच चुका हूँ घर में,
बहुत ही टाइम लग गया आते आते, अभी टाइम हो रहा है 10:15, मैं 10:10 में घर में घुसा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप ये वीडियो नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो के लिए गुड नाइट, जय हिंद।